जी कितने आपको आवाज आ रही है? जी बच्चों आवाज आ रही है? बेटा कोई तो बोलो। यस मैम आ रही है। जी एस्ट्रोजेंस एंड एंड्रोजेंस स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। इसमें हमने क्या देखना है कि हमने ये देखा था मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैम आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है आपकी। मैम समझ नहीं आ रही जो आप पढ़ा रही हैं। मैम लग रहा है जैसे आप माइक से बहुत दूर से बोल रही हैं। मैम बेहतर है अब? जी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें कि ये तो रेगुलेट कर रहे होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को। फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को कैसे कर रहे होते हैं? जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है हाइपोथैलेमस का, वो सिक्रीट होता है, वो आगे पिट्यूटरी ग्लैंड में एक्ट करता है और वहां से सिक्रीट होता है FSH एंड LH। वो जाके एक्ट करते हैं ओवरी पे और वहां जाके इंडिविजुअल ओवेरियन फॉलिकल्स जो हैं उनको जो है उन पे एक्ट करके उनसे वर्क करवाते हैं, ठीक हो गया, डेवलप करवाते हैं फॉलिकल्स को। पिट्यूटरी हार्मोन्स क्या है कि वो मेंटेन कर रहे होते हैं हमारे बॉडी में राइजिंग और फॉलिंग लेवल्स जो हैं ओवेरियन साइकिल एंड यूट्राइन साइकिल इन दोनों को मेंटेन कर रहे होते हैं। सेक्स हार्मोन्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं गोनेड से वो किस किस चीज़ के लिए रिसेप्टर हैं? कॉन्सेप्शन के लिए, एम्ब्रियोनिक मैच्योरेशन के लिए, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स। आवाज नहीं आ रही। अच्छा मैं बुलाती हूँ कोऑर्डिनेटर को, वेट करो। जी बच्चों बिल्कुल हुई है आवाज? यस मैम। यस मैम मैम आवाज आ रही है आपकी पर दूर से आ रही है, इस वजह से ना क्लियर नहीं आ रही और इको प्रोड्यूस हो रही है। मैम दूर से भी आ रही है आवाज। चलिए बेटा ध्यान से सुने, आधा लेक्चर पढ़ना है आज हमें पूरा नहीं करना। कॉन्सेप्शन के लिए रिक्वायर्ड है, एम्ब्रियोनिक मैच्योरेशन के लिए, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्यूबर्टी के डेवलप होते हैं उनके लिए। अब ये जो एक्टिविटी है हार्मोन्स की वो मॉड्यूलेट होती है रिसेप्टर से, यानी जो रिसेप्टर जहाँ पे प्रेजेंट है वो उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, उससे वो फंक्शन स्पेसिफिक फंक्शन जो उसने करवाना है वो उस रिसेप्टर पे डिपेंड करता है कि वो रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये रिसेप्टर्स हमने पढ़े थे कि कहाँ कहाँ पे होते हैं। आगे चलते हैं, थेरेप्यूटिक यूजेस क्या है? रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए देंगे हम हार्मोन्स, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए देंगे, मेनोपॉजल सिम्टम्स होंगे जिनमें उन्हें देंगे, या सिवियर एंटागोनिस्ट जो होते हैं सेवरल एंटागोनिस्ट होते हैं सिवियर फॉर्म ऑफ कैंसर के में थेरेपी जो होती है उसमें इफेक्टिव हो जाता है। सारे गोनेडिक हार्मोन्स जो है कोलेस्ट्रॉल से बन के बने हैं। क्या स्टेप्स होते हैं उसमें? शॉर्टनिंग होती है हाइड्रोकार्बन की साइड चेन की, ठीक है, उसके फिर हाइड्रोक्सीनेशन होती है स्टीरॉइड न्यूक्लियस की, और लास्ट स्टेप में क्या होता है? एरोमेटाइजेशन होती है एस्ट्रोजन सिंथेसिस में। इस तरीके से ये फॉर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेन करने की जरूरत नहीं है,
और स्ट्रॉल होगी उससे प्रेग्निलॉन रहेगा, उससे प्रोजेस्टेरॉन और डी हाइड्रोएपी एंडोस्टेरॉन रहेगा। जो आगे जाके प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एंडोस्टेरॉन कॉर्टिसोल और एंड्रोस्टेनिक डायन बनाएगा, जबकि जो डी हाइड्रोएपी एंडोस्टेरॉन है ये एंड्रोस्टेनिक डायन और एंड्रोस्टेनिक डायोल बनाएगा। ये दोनों फिर आगे टेस्टोस्टेरॉन बनाएंगे, टेस्टोस्टेरॉन से डी हाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन बनेगा और एस्ट्राडायोल बनेगा। एस्ट्राडायोल आगे एस्ट्रॉन बनाएगा, एस्ट्रॉन एस्ट्रायोल बनाएगा। अभी हम इन तीनों को देख रहे हैं, एस्ट्रायोल को, एस्ट्रॉन को और एस्ट्राडायोल को, ठीक है। एस्ट्रोजेंस में आ गए, एस्ट्राडायोल पे आ गए हम, ये सबसे पोटेंट है, ठीक है। ओवरी से सिक्रीट हुआ है और प्रिंसिपल एस्ट्रोजन है जो प्री मेनोपॉजल मूवमेंट में प्रेजेंट होता है। प्री मेनोपॉजल मूवमेंट वो है जिनमें भी मेनोपॉज नहीं हुआ आम वुमेन में। इससे क्या बना, एस्ट्रॉन बना। एस्ट्राडायोल से आगे क्या बना था, एस्ट्रॉन। एस्ट्रॉन जो है वो मेटाबोलाइट है एस्ट्राडायोल का और इससे 1/3 इसकी पोटेंसी है, ठीक हो गया। प्राइमरी सर्कुलेटिंग है आफ्टर मेनोपॉज, दिस इज प्री मेनोपॉजल एंड दिस इज आफ्टर मेनोपॉज, ठीक है। ये कहाँ से बन रहा है, कन्वर्जन हो रही है एंड्रोस्टेनिक डायोन की पेरिफेरल टिश्यूज में, एंड्रोस्टेनिक डायोन की तरफ से ये आ रहा है, उसकी जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उससे एस्ट्रॉन बनेगा, ठीक है। आगे क्या आ गया, एस्ट्रायोल जो लास्ट स्टेप का, एस्ट्रायोल जो है वो एस्ट्राडायोल का मेटाबोलाइट हो गया, ये उससे भी ज्यादा लेस इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे कब प्रेजेंट होगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पहला हमने पढ़ा एस्ट्राडायोल कब प्रेजेंट है, प्री मेनोपॉजल, एस्ट्रॉन पोस्ट मेनोपॉजल और एस्ट्राडायोल प्रेगनेंसी में प्रेजेंट है, ठीक है। कहाँ से प्रोड्यूस होता है, प्लेसेंटा से, जबकि बाकी तीनों कहाँ से हो रहे थे, ओवरी से। इसके अलावा क्या बात की हमने, ये तीन हो गए जो बॉडी में प्रेजेंट है बन रहे हैं, हमने इनके रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर हमने करनी हो उसके लिए किसी और थेरेपी के लिए हमने प्लांट डिराइव भी बनाए हैं एस्ट्रोजन जो कि मार्केट में अवेलेबल है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गई एथिनाइल एस्ट्राडायोल, ये क्या चीजें हमारे पास, ये सिंथेटिक है जो हमने खुद बनाया है बाहर से लेके। ये क्या करता है, इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है इसे उसके किसान का मिलेगा, क्योंकि जो बॉडी में बन रहे हैं वो तो एक नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू अपने अपने टारगेट टिश्यूज में पहुंच रहे हैं, जबकि जो हमने किसी और फॉर्म में लिया, फॉर एग्जाम्पल एथिनाइल एस्ट्राडायोल है ये हमने ओरली लिया किसी टेबलेट की फॉर्म में, तो ये जाके गुजरेगा लिवर से, लिवर से गुजरते हुए इसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गुजरना पड़ेगा। ओरली लेते हैं अगर लो डोजेस में तो फिर ये इफेक्टिव है। अभी हमारे पास चीज आ गई सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, SERMs क्या है, ये नॉन स्टेरॉयडल कंपाउंड्स है जो कि जाके एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पे बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पे बाइंड कर जाएंगे और उन रिसेप्टर्स को मॉड्यूलेट कर देंगे, उनको डिफर कर देंगे, या उसका एगोनिस्ट एक्शन बढ़ा देंगे या उसके अगेंस्ट काम कर देंगे, कंपिटिटिव बन के उसका एंटागोनिज्म करवा देंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। मैम हैंड्स फ्री यूज करें तो उससे सही आवाज आती है, मुझे सही आ रही है आवाज। जो अभी मैंने लेक्चर लिया है कोई इशू नहीं हुआ है आवाज का, बाकी का लेक्चर स्टार्ट हुआ है कोई इशू नहीं हुआ है। मैम मैं हैंड फ्री यूज कर रही हूँ लेकिन मुझे फिर भी आवाज नहीं आ रही। मैं भी हैंड फ्री यूज कर रही हूँ, मुझे भी मैम आवाज क्लियर आ रही। अब एक बच्चे को आवाज क्लियर आ रही है तो बाकी सबको तो नहीं आ रही ना, मुझे भी नहीं आ रही आवाज। जी ऐसा ही, ठीक है।
यस मैम अब आ रही है। यस मैम अब क्लियर है। हाँ जी अब ठीक है आवाज। यस मैम मैम ठीक है बच्चों हम मैंने मोबाइल से भी कनेक्ट कर लिया। हाँ जी एस्ट्रोजन की हम बात कर रहे थे कि इनके जो रिसेप्टर्स हैं एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स उसको जो मॉड्यूलेट करती हैं ड्रग्स अब हम उनकी बात करेंगे। उनमें क्या आ जाती है टेमोक्सिफिन है और रेलोक्सिफिन है इसके अलावा क्लोमैक्सिफिन है क्लोमोफिन है सॉरी। एस्ट्रोजन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वो पहुंचती कैसे है टारगेट टिश्यू तक डिफ्यूज करती है सेल मेम्ब्रेन को क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि ये लिपिड सॉल्युबल है। ये क्या करती है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके स्पेसिफिक न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के साथ जाके अटैच हो जाती है जो कि न्यूक्लियस पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। दो तरह के रिसेप्टर्स हैं अल्फा एंड बीटा जो कि मीडिएट करते हैं हॉर्मोन के इफेक्ट को। जो अल्फा रिसेप्टर्स हैं वो प्रमोट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिविटी को। ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है एक रिसेप्टर एक गया कैमरा नजर आ रहा है बच्चों बोर्ड नजर आ रहा है। नो मैम यस मैम नो कौन कह रहे मैम आप नहीं आ रहा। अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स हैं होगा क्या कि जाके ये रिसेप्टर पे जाके अटैच होगा जो अल्फा रिसेप्टर्स हैं वो प्रमोट करा रहे होते हैं जबकि जो बीटा रिसेप्टर्स हैं उनमें रिप्रेसर डोमेन होता है यानी कि वो उसको कम करवा रहे होते हैं। ठीक है जो ट्रांसक्रिप्शन प्रॉपर्टीज है अल्फा और बीटा की वो दोनों डिफरेंट है ये हमने बात कर ली। वेरी करती है पर्टिकुलर एस्ट्रोजन के हिसाब से भी और सारे रिसेप्टर के आइसोफॉर्म जो है वो भी वेरी कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर में भी क्रोमोसोमल लोकेशन में भी और टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन में भी। यानी कि जो रिसेप्टर्स हैं अल्फा रिसेप्टर अगर ओवरी में प्रेजेंट है या अगर प्लेसेंटा में प्रेजेंट है तो वो आपस में भी डिफरेंट होंगे। ठीक है उनका स्ट्रक्चर उनकी क्रोमोसोमल लोकेशन और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सब कुछ डिफरेंट है। होगा क्या कि एक्टिवेटेड स्टीरॉयड रिसेप्टर था वो जाके इंटरेक्ट करेगा न्यूक्लियर क्रोमेटिन के साथ यहाँ पे रिसेप्टर इनिशिएट क्या किया इसने आरएनए सिंथेसिस को क्या होता है प्रोटीन की फॉर्मेशन में आगे हेल्प करती है और आरएनए सिंथेसिस के बाद जो कि हमें रिक्वायर्ड है किसी भी फंक्शन के लिए वो प्रोटीन ये जो पहला स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमने देखा है एक्टिवेटेड स्टीरॉइड रिसेप्टर इंटरैक्ट किया विद न्यूक्लियर क्रोमेटिन इनिशिएट किया आरएनए सिंथेसिस को उसके क्या हुआ स्पेसिफिक प्रोटीन ने फिर मीडिएट किया फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को। इसको आगे देखें डायग्राम में ये दिखाया हुआ है यूनि डायग्राम देखिए आप ER क्या है एस्ट्रोजन आके एस्ट्रोजन रिसेप्टर सॉरी ये रिसेप्टर है ये स्टीरॉइड हार्मोन आया ये अटैच हो गया बाइंडिंग हो गई स्टीरॉइड हार्मोन की टू इट्स रिसेप्टर। अटैच होने के बाद ये आगे गया जहाँ के न्यूक्लियर क्रोमेटिन के साथ ये अटैच हुआ न्यूक्लियर क्रोमेटिन के साथ इंटरेक्ट किया इसने जहाँ पे आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो गई है आयरन सिंथेसिस स्टार्ट हुई आगे आए ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुई स्पेसिफिक प्रोटीन बनना शुरू हो गई हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है एक्टिवेटर प्रोटीन के साथ मिलके क्या कंट्रोल कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टारगेटेड जीन्स। ठीक है ये समझ में आ गई
मैकेनिज्म है। आगे क्या बात है, स्टीरॉइड हार्मोन्स जो है रिसेप्टर और टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके ही स्पेसिफिक चीज अटैच करेगी, जिसकी वजह से डिफरेंट आरएनए स्पीशीज जो है डाइवर्स टिश्यूज में फॉर्म करती हैं। एक्टिवेशन जो है वो कैसी होती है, हाइपोथैलेमस के लेवल पे होगी, तो वो जी प्रोटीन के साथ कंबाइन करके इनिशिएट करता है सेकेंड मैसेंजर कैस्केड को। इसके अलावा क्या है कि एस्ट्रोजन जो है वो कोरोनरी आर्टरीज को भी डायलेट करवाता है, वो किस तरीके से, क्योंकि वो नाइट्रिक ऑक्साइड की को रिलीज और फॉर्म करवा रहा है, ठीक है, और प्रोस्टासाइक्लिन को। थेरेप्यूटिक यूजेस क्या क्या है, कॉन्ट्रोसेप्शन के लिए यूज करते हैं और पोस्ट मीनोपोजल हार्मोनल थेरेपी में यूज करते हैं। पोस्ट मीनोपोजल वुमेन्स जो होती हैं उनमें फ्यू सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जिनमें क्रैम्प्स हैं, ब्लीडिंग आ जाती है, क्रैम्प्स आ जाते हैं, और इसके अलावा मूड स्विंग्स आ जाते हैं, उन सब पे ट्रीट करने के लिए। इसको क्या करते हैं, लोएस्ट इफेक्टिव डोज जो होती है उसमें यूज करते हैं, क्योंकि इसके रिस्क बहुत ज्यादा है और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए यूज करते हैं। एक्सटेंडेड यूज अगर कर देंगे तो फिर उसमें जो है वो इसके जो जो रिस्क है वो ज्यादा बढ़ जाता है उसके बेनिफिशियल इफेक्ट से। ये सब नहीं, मैंने डिलीट करनी थी स्लाइड, जी मुझसे हूँ ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ जी, एस्ट्रोजन के यूजेस क्या क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन में कहाँ पे यूज होता है, कॉम्बिनेशन में यूज होता है प्रोजेस्टोजन के साथ मिला के, ताकि ये इफेक्टिवली एक्ट करे। ओरल रूट से देते हैं इसे या फिर ट्रांसडर्मल रूट से। होता क्या है कि एस्ट्रोजन थेरेपी जब हम देते हैं तो वो नेचुरल जो पैटर्न है साइक्लिक पैटर्न उसको मिमिक करता है, और प्रोजेस्टोजन के साथ देते हैं इसको इसी वजह से, ताकि वो प्रॉपरली एक्ट करे। और अगर आफ्टर प्यूबर्टी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं हुए तो उसके लिए भी इसे। जो कि हमने पढ़ा कि ओरली देंगे, ट्रांसडर्मल देंगे तो स्किन से अब्सॉर्ब हो गए, या म्यूकस मेम्ब्रेन से देंगे यानी इंट्राविजाइनली प्लेस करेंगे तो वो वहां से हो गए। सिंथेटिक जो है उसमें एथिनाइल एस्ट्राडियोल और मेस्ट्रानोल आ गए, वो ओरल एब्सॉर्ब ओरल एडमिनिस्ट्रेशन देंगे तो उनकी वेल एब्सॉर्प्शन है। मेस्ट्रानोल है ये डीमिथाइलेटेड होगा, एथिनाइल बनेगा जो कि फिर मेटाबोलाइज होगा, फैट सॉल्युबल होते हैं एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं और वहां से फिर स्लोली रिलीज होते हैं और अपना एक्शन करते हैं। इसी वजह से इनका प्रोलॉन्ग एक्शन होता है एज कम्पेयर टू नेचुरली जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं एस्ट्रोजेंस उनके मुकाबले, ठीक है। ब्लड, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है तो ब्लड में भी प्रोटीन के साथ बाउंड होके और फिर ही ट्रेवल कर रहे होते हैं, इसे बायो हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन का है। इनकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो लो हो जाती है क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गुजरते हैं लिवर से, और अगर हमने इसकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस करना हो तो हम इसे ओरल रूट के अलावा किसी और तरीके से देंगे, यानी या तो ट्रांसडर्मल रूट से देंगे, पैच, टॉपिकल जेल, टॉपिकल इमल्शन या स्प्रे, या इंट्राविजाइनली प्लेस करेंगे एनी टेबलेट, क्रीम या रिंग की फॉर्म में, या फिर इंजेक्ट करेंगे। जिनमें लिवर डैमेज हो उसमें एस्ट्रोजन के लेवल्स वैसे ही इंक्रीज हो जाते हैं और मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो जाता है। एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे, नोजिया, ब्रेस्ट टेंडरनेस, पोस्ट मेनोपॉजल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है, थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स हो सकते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ब्रेस्ट एंड एंडोमेट्रियल कैंसर की तरफ और इंक्रीज
थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, हाइपरटेंशन है, हेडेक है, पेरिफेरल एडिमा है एंड नोजिया है। SERMs की हमने बात की थी, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, ठीक है। एक सेकेंड बच्चे, मुझे एक मिनट दीजिएगा। जी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। सब बच्चे आप लोग, हाँ जी, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स की हम बात कर रहे थे, इंटरैक्ट करते हैं एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के साथ जाके। ये सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स जो है ये सिंथेटिक हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हम बाहर से दे रहे हैं मेडिकेशन की फॉर्म में। इंटरैक्ट करेंगे जाके एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के साथ, डिपेंड करेगा कि किस टिश्यू पे जाके एक्ट करना है, वहां पे उनका डिफरेंट इफेक्ट होगा, या तो एगोनिस्ट एज एगोनिस्ट रोल प्ले करेंगे या फिर एज एंटागोनिस्ट प्ले करेंगे, ठीक है। इनमें कौन कौन से आ गए, टेमोक्सिफेन, रेलोक्सिफेन और क्लोमिफेन, किस किस नाम से मार्केट में अवेलेबल है, नोल्वाडेक्स, वेलोडेक्स, एविस्टा के और आइकाक्लोमिन के नाम से, ठीक है। टेमोक्सिफेन आ गया सबसे पहले, ये क्या करेगा, एस्ट्रोजन के साथ कम्पीट करेगा, ब्रेस्ट टिश्यू में जाके नॉर्मल ब्रेस्ट ग्रोथ जो है एस्ट्रोजन से स्टिमुलेट हो जाती है, और ये क्या करेगा, ब्रेस्ट ट्यूमर जो है वो रिग्रेस हो जाएंगे फॉलोइंग ट्रीटमेंट विद टेमोक्सिफेन। इसके ट्रीटमेंट के बाद जो नॉर्मल सेल्स हैं उनकी ग्रोथ इंक्रीज होगी और मेटास्टेटिक सेल्स जो हैं उनकी ग्रोथ रिग्रेस हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अच्छा वो आगे आएगा, रेलोक्सिफेन है सेकेंड जनरेशन SERM है, वो क्या करता है, एंटागोनिस्ट है ये ब्रेस्ट टिश्यू के लिए, और इसके अलावा ये क्या करता है, बोन की रिजॉर्प्शन को कम करता है, तो इसका यूज आ जाता है ऑस्टियोपोरोसिस के केस में, यानी पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में ऑस्टियोपोरोसिस जो हो रही होती है उसको रिड्यूस करता है, बोन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा जिसकी वजह से वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। एंडोमेट्रियम पे इसका कोई असर नहीं होता और यूट्राइन कैंसर से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा ये LDL के लेवल को कम करता है, HDL या ट्राइग्लिसराइड्स पे इसका कोई असर नहीं है लेकिन LDL के लेवल को ये कम करेगा। क्लोमिफेन आ गई, क्लोमिफेन क्या है, पार्शियल एस्ट्रोजन एगोनिस्ट है और ये इंटरफेयर करता है नेगेटिव फीडबैक को। क्लोमिफेन का ये बात है कि ये डायरेक्ट जाके टिश्यू पे एक्ट नहीं करता बल्कि ये हाइपोथैलेमस पे जाके एक्ट करता है, हाइपोथैलेमस पे जाके रिसेप्टर पे अटैच होता है और वहां से ये सिक्रीशन इंक्रीज करवाता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की। जब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वहां से ज्यादा रिलीज होता है, आगे से सारे सेक्स हार्मोन जो है FSH और LH वो ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से फिर आगे जाके जो है ओव्यूलेशन इंक्रीज हो जाती है अगर वो डिक्रीज हो रही हो तो। थेरापेटिक यूजेस आगे, टेमोक्सिफेन कहाँ कहाँ यूज होगा, मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर के केस में, एडजुवेंट थेरेपी के लिए मैस्टेक्टमी या अगर रेडिएशन की है ब्रेस्ट कैंसर की तब यूज होगा क्योंकि ये नॉर्मल ब्रेस्ट सेल्स को इंक्रीज करता है। प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी के लिए यूज होगा टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। रेलोक्सिफेन आगे, रेलोक्सिफेन प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज होगा हाई रिस्क वुमेन में, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए यूज होगा। क्लोमिफेन आ गया, क्लोमिफेन इनफर्टिलिटी को ट्रीट करेगा जो एंड ओव्यूलेटरी साइकिल्स के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि जिनमें ओव्यूलेशन स्टार्ट ही नहीं हो रही क्योंकि पीछे से हार्मोन ही लो क्वांटिटी में आ रहा था, तो हम क्लोमिफेन देंगे जो हाइपोथैलेमस को डायरेक्ट करेगा कि ज्यादा से ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करे जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होगी। जिनमें ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन पिट्यूटरी के वजह से या ओवेरियन फेलियर की वजह से हो उनमें ये असर नहीं करेगा, सिर्फ हाइपोथैलेमस पे जाके इसने एक्ट करना, ठीक है। देते कैसे हैं, ओरली ज्यादातर दिए जाते हैं। टेमोक्सिफिन जो है वो उसकी मेटाबॉलिज्म साइटोक्रोम P450 से हो रही है, रेलोक्सिफिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोरोनाइड में और कॉन्जुगेट करता है ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेट्स में कन्वर्ट हो जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू, ये सारे के सारे लिवर से ही गुजर रहे हैं, ठीक है। एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग क्या होती है, लिवर में जो ये मेटाबॉलिज्म हो रही होती है उसे कहते हैं। प्राइमरी रूट इनका एक्सक्रीशन क्या क्या हो गया, बाइल के थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाते हैं फीसेस में। एडवर्स इफेक्ट्स क्या है टेमोक्सिफिन के, हॉट फ्लैशेस है, नोजिया है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है, वजाइनल ब्लीडिंग है, एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटीज की एंडोमेट्रियम पे जिसकी वजह से हाइपरप्लासिया और मैलिग्नेंसीज भी हो सकती है, जिसकी वजह से इसके लेंथ ऑफ टाइम लाइक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इसे दिया जाता है।
इसके अलावा इसके ड्रग इंटरेक्शन किसके साथ है? अमायोडोरोन के साथ, हेलोपेरिडोल के साथ, अरिसपेरिडोन के साथ। ये तीनों जो हैं ये भी साइटोक्रोम P450 से किससे मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, इस वजह से ये इसके साथ इंटरफेयर कर जाती है, तो इसके साथ नहीं देनी चाहिए। रेलोक्सिफिन के एडवर्स इफेक्ट्स है हॉट फ्लैशेस, लेग क्रैम्प्स, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पेरिफेरल एडिमा, रेटिनल वेन थ्रोम्बोसिस, ये सब इंक्रीज हो जाता है। प्रेग्नेंट लेडीज में इसे अवॉइड करना चाहिए रेलोक्सिफिन को, क्योंकि इसके लिए कैटेगरी X है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। कोलेस्टायरामीन के साथ अगर इसे देंगे तो रेलोक्सिफिन के एब्जॉर्प्शन जो है वो 60% डिक्रीज हो जाती है, इसलिए उसके साथ भी नहीं देनी चाहिए। क्लोमिफिन में हेडेक, नोजिया, वेजोमोटर फ्लैशेस, विजुअल डिस्टर्बेंसेस और ओवेरियन एनलार्जमेंट हो जाएगी। मल्टीपल बर्ड्स का भी चांस होता है, ट्विंस या ट्रिपलेट्स हो सकते हैं, सिर्फ 3-5% इंक्रीज होता है। ये नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, बहुत हो गया आज के लिए, इतना काफी है। बच्चों अटेंडेंस में आप लोगों की ले लूंगी, बाकी ये कि आप लोग जो चीज नहीं समझ में आई हुई वो मुझसे पूछ लीजिएगा, थोड़ा लंबा लेक्चर था इस वजह से इसको हाफ कर लेते हैं। रोजे में कुछ मुझसे पढ़ाया भी नहीं जाता, पढ़ा भी नहीं जाता होगा इस टाइम तक, तो रोजा लगना शुरू हो ही चुका हुआ होता है, तो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा एक बात मैंने आप लोगों को ये बतानी थी कि ईद से पहले इंशाल्लाह कोई ओपन बुक असाइनमेंट या कोई ऐसी असेसमेंट शॉर्ट सी ऑनलाइन ही हम कर लेंगे, ताकि ईद के बाद एकदम से आप लोगों पे लोड ना बढ़ जाए। क्विज होंगे, हर सब्जेक्ट के क्विज हो रहे होंगे, मिड्स हो रहे होंगे, तो ये हमारा एंडो खत्म हो जाएगी, एंडो फार्माकोलॉजी, तो उसके बाद हम एक शॉर्ट क्विज रख लेंगे, ताकि थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स हो ईद के बाद। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं होगा इंशाल्लाह, थोड़ा इजी ही होगा, तो इसलिए प्रीवियस लेक्चर्स भी गो थ्रू कर ले, ताकि जो चीज नहीं समझ में आई भी वो मुझसे अभी पूछ लें, उससे पहले पहले पूछ लें। ठीक है, ठीक है मैम, क्विज ना रखिएगा, असाइनमेंट रख लीजिएगा मैम, क्विज काइंडली ईद के बाद रख लें। ठीक है, और कुछ? ठीक है बच्चों, आप लोग लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।